नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो एएसओ और एआरएसओ की तैयारी करते हैं, एआरओएस की तैयारी करते हैं, एआरओएसओ की नहीं, एआरओएस की, जो आपके असिस्टेंट रिसर्च आपके ऑफिसर होते हैं स्टेटिस्टिकल में, उनकी जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक खास खबर है। क्या ये खबर है? समकक्ष आहारता यहां कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया, क्योंकि कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जो लास्ट में जाके फंस जाती हैं समकक्ष आहारता के चलते। ठीक है कि आखिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनके इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं, वो बच्चों को पता नहीं होता है, फिर उस पर केस होता है, फिर उसकी डेट पड़ती है, जिसके कारण कई भर्तियां फंसती चली जाती हैं। तो इसी क्रम में एएसओ का जो आपका है उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर बताया गया है। क्या क्या है वो आप देख सकते हैं, ये एक पत्र है और इस पे आपका साफ साफ लिखा गया है, क्रामिक अनुभाग दो सहायक संख्यायिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी संख्यायिकी पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय संख्यायिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या संख्यायिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष आहारता के निर्धारण किए जाने के संबंध में। यह आपका बोला गया है और पूरा का पूरा वही बोला गया। पहले आपका जो इसमें एलिजिबिलिटी था वो ये था कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय संख्यायिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या संख्यायिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई आहार। लेकिन यहां समकक्ष लिखने के चलते काफी कंफ्यूजन होता था कि क्या एमबीए वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, एमबीए में भी अलग अलग ट्रेड, एमकॉम में भी अलग अलग आपका सब्जेक्ट, तो कौन से आपके एलिजिबल होंगे इक्विवेलेंट में, वो आपको यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है। सब कुछ यहां बोला गया है कि ध्यान रखिएगा कि यहां पर कि यहां पर 6/3/2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आलोक के समय विचार उपरांत निम्नांकित आहर्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग संख्यायिकी सेवा नियमावली में सहायक संख्यायिकी अधिकारी एएसओ और सहायक शोध अधिकारी संख्यायिकी के पद के शैक्षिक आहर्ता गणित गणित या गणितीय संख्यायिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र या संख्यायिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से हैं आपके जो समकक्ष इक्विवेलेंट आपके कोर्स हैं, जैसे आपने अगर एमबीए कर रखा है, एमबीए यहां पर कोई भी ट्रेड नहीं दिया है, तो आप एमबीए वाले हो तो आप एएसओ के लिए एलिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपका अगर एमबीए में आपने ड्यूअल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रखा है, अब ठीक है क्योंकि होता है डायरेक्ट एमबीए तो है ही आपका अलाउ, प्लस एमबीए के साथ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है आपका प्रोडक्शन और फाइनेंशियल में, तब भी अलाउ है। एमबीए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी आपका अलाउ है, एमबीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अलाउ है, एमबीए फाइनेंस्ड कंट्रोल भी है, एमबीए एचआर भी है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंस भी आपका इक्विवेलेंट माना गया है। साथ ही साथ क्योंकि यहां सब एक तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पीजी वाले कोर्स ही इक्विवेलेंट होंगे, ग्रेजुएशन बेस्ड ये जॉब नहीं, और अच्छे खासे पद आते हैं। ये आपका सुनने में आ रहा है कि अभी रिसेंट में इसके 1000+ पद खाली हैं। मास्टर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये अगर मास्टर आपने डिग्री कर रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मैथमेटिक्स, अगर आपने साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स में कोई मास्टर की डिग्री रखा है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने रखा है, मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल ले रखा, अगर आप सिंपली एमकॉम किए हो, ठीक है आप सिंपल एमकॉम किए हो तभी भी आप एलिजिबल हो, एमकॉम में भी आपका अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है तभी भी आप एलिजिबल हो, एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट है तभी भी एलिजिबल हो, एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स है आप एलिजिबल हो, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स है तभी आप एलिजिबल हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएससी वाले भी आपके एलिजिबल हैं जो एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रखे होंगे, ठीक है मास्टर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स से कर रखा होगा अभी एलिजिबल है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन साथ साथ अगर आप मास्टर का साथ किए हो, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट नहीं है,
एक सब्जेक्ट ही होता है, एक ही सब्जेक्ट, क्योंकि मास्टर तो आप एक ही सब्जेक्ट से करोगे, तो उसमें आपका लिखा रहता है मास्टर एंड कंप्यूटर एजुकेशन। ये चलता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, आपके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सिंगल ही मास्टर का आपका डिग्री मिलेगा, लेकिन मास्टर एंड कंप्यूटर एजुकेशन का, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन का, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एमएससी आपका मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स का है तभी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स है तभी भी चलेगा, मैथमेटिकल साइंस स्टेटिस्टिक्स है तभी चलेगा, अगर आप सिंपल एमएससी मैथ हो तभी भी चलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एमएससी आप इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स और इन्फॉर्मेटिक्स है तभी भी चलेगा, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स है तभी भी चलेगा, स्टेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है या एमएससी जो आपका स्टेटिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तभी भी चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, या एमएससी बायो भी चलेगा, एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च भी चलेगा, बायोलॉजी नहीं, एमएससी आपका स्टेटिस्टिक्स वाला चलेगा, ठीक है, एमएससी स्टेटिस्टिक्स चलेगा, एमएससी अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स चलेगा, हेल्थ स्टेटिस्टिक्स चलेगा, जिसमें आपके ये स्टेटिस्टिक्स सब आ गया वो सब चलेगा। इंटीग्रेटेड एमएससी आपने किया है, 5 साल का कोई कोर्स किया है और लास्ट में आपका स्टेटिस्टिक्स है तभी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट आपका मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स से है तभी भी चलेगा, एमए इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट है, मास्टर एमए वाले बच्चे भी इसको भर सकते हैं, अगर मास्टर एमए एमए आर्ट वाले जो होते हैं वो अगर इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट से एमए किए हैं तो वो भी भर सकते हैं इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट। एमए आपका रीजनल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, रीजनल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो वो भी भर सकता है, एमए इंटायर इकोनॉमिक्स जो होगा वो भी आपका भर सकता है, पूरा इकोनॉमिक्स इंटायर इकोनॉमिक्स एमए वाले भर सकते हैं, एमए मैथ्स जो होगा वो भी भर सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी भर सकता है एमए वाला, एमए इकोनॉमिक्स सिंपल एमए इकोनॉमिक्स आपने किया बहुत सारे लोग मिल जाएंगे एमए इकोनॉमिक्स के, तो एमए इकोनॉमिक्स वाले भी एएसओ के लिए एलिजिबल है, एमए स्टेटिस्टिक्स वाले भी एलिजिबल है, एमए बायो स्टेटिस्टिक्स वाले भी है, एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाले भी आपके एलिजिबल हो जाएंगे एएसओ के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन भी एलिजिबल होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इतने समकक्ष आपके इक्विवेलेंट डिग्री के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ ये तो वो अहर्ता हो गई जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें आपके मैथ या स्टेटिस्टिक्स या अर्थशास्त्र आपसे मांगता था, अब इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं मांगता है, ओ लेवल भी मांगता है, तो ओ लेवल के समकक्ष अहर्ता आपके पहले ही शासन ने दे रखा है, आप लोग मैंने वीडियो बना रखा है ओ लेवल के समकक्ष अहर्ता, वो आप देख सकते हैं, तो इससे भी आपका मास्टर्स के भी आपके समकक्ष अहर्ता के बारे में आपके शासन का ये आदेश आ चुका है और वो लेवल के समकक्ष अहर्ता भी आ चुकी है, तो जो लोग ये अहर्ता रखते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, अगर उन्होंने पेट दिया है, क्योंकि ये पेट से अब आएगा और इसमें अच्छे खासे पद होते हैं, इसके पद काफी खाली चले जाते थे क्योंकि बच्चे ही एलिजिबल नहीं मिलते हैं, लेकिन अब अहर्ता आपका क्लियर होने के वजह से अब कहीं ना कहीं पद जो है पद तो अच्छे खासे आएंगे, अब कंपटीशन भी इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जो बच्चे आप इसमें जितने भी अहर्ता दी गई हैं आप रखते हो तो आप एएसओ की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पद है, बहुत ही जबरदस्त इनकम भी है आपका, इसके मैं डिटेल जिनको भी चाहिए कि इसके पोस्ट की डिटेल आपको बताया जाए कि क्या इनका कार्य होता है, सैलरी क्या होता है, तो पोस्ट के बारे में आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट में करिए, कितने बच्चे इस जो मास्टर डिग्री दिया है, कितने लोग इन मास्टर डिग्री में से इक्विवेलेंट डिग्री में से आप लोगों के पास आता है, वो सभी बच्चे जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर मेरे पास ये आता है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं, और एक अच्छा खासा पद आने वाला है, 1000+ पद आने वाला है एक अधिकारी का, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है, तो आप सभी इसकी तैयारी में लग जाइए, इसका सिलेबस वलेबस पिछला आप देख लीजिए और आप एक मन बना लीजिए कि अब मुझे ये वाली जॉब तो पाना ही पाना है, अगर मेरे पास मास्टर डिग्री है जो इतने इक्विवेलेंट डिग्री दिया इनमें से कोई भी है तो एकदम लग जाइए, और ओ लेवल के समकक्ष आपके पास अहर्ता है तो बाकी कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर अपनी समस्या रखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या हो समाधान किया जाए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।